ब्रेक लगाई नहीं, ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक ही नहीं लगी। एबीएस का यही सीन होता है, पुलिस का नाका है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिकारी ब्लॉगर 02। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि गाइस आज हम जा रहे हैं एक राइड पे, और मेरे साथ इस राइड पे है R15 Version 3 जो कि हमारे आगे जा रही है, और एक मेरी R15। तो चलते हैं राइड पे, और आगे जा रहा है मेरा फ्रेंड अंश। अंश के बाइक ही R15 है, तो अंश इसके साथ ही जा रहा है। मैं और अंश जा रहे थे राइड पे, और अंश ने अपने बाइक को भी बुला लिया। ठीक है भाई, साथ में अगर बाइक हो तो फिर राइड करने का भी मज़ा आता है। तो चलते हैं। भाई ने अभी टायर डलवाया है अपोलो H1, जैसे कि आप देख सकते हो, और टेल लाइट भी अभी डलवाई है भाई ने। तो भाई ने पूरा काम कराया था अभी बाइक का। अपोलो H1 के मुकाबले कोई भी टायर नहीं आया यार, क्या परफॉर्मेंस देते हैं यार ये अपोलो H1 के टायर। सकते हो कितना मोटा टायर है, एक ग्लास परफॉर्मेंस है यार इसकी। ऑफ रोडिंग के लिए भी बेस्ट टायर है ये। मैं भी जब टायर अपग्रेड करूँगा तो अपोलो H1 का ही डालूंगा, जब भी फ्यूचर में अपग्रेड करने की बारी आएगी। अभी तो मैंने कोई बर्न आउट वगैरह कुछ भी नहीं मारा है अपने। और ये देखो कैसे आ रहा है। भाई गाड़ी वाला देखो कहां से ओवरटेक कर रहा है, इसको कुछ दिख नहीं रहा भाई, कहीं से भी आ जाते हैं। बाइक वाले को कुछ समझते ही नहीं भाई, सीधी सी बात है। ये देखो सारे सस्ते नशे। इस रोड पे आपको खतरनाक वाले ड्राइवर मिलेंगे, जो रजौरी पुंछ वाले होते हैं ना, ये खतरनाक वाले ड्राइवर होते हैं, क्योंकि ये भाई कहीं से भी गाड़ी निकाल लेते हैं। एक तरफ खाई होगी, एक तरफ रोड होगा, फिर भी ओवरटेक कर लेंगे। ओ शिट यार, आज मैं फिर से अपने ग्लव्स घर पे भूल गया। अभी याद आता है राइड, जब राइड पे जाऊँ ना तब याद आता है कि मैं वो भूल गया ग्लव्स भूल गया। भाई देखो यार मेरा दिमाग देखो कितना बुलक्कड़ है। BS4 आगे निकलती है, BS6। जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो देखता हूँ आगे GoPro हमेशा डेड होता है, पहले चार्ज करना पड़ता है इसको, यही दिक्कत है। इसलिए मैं पावर बैंक साथ लाया हूँ। रास्ते में हम रुकेंगे, वहाँ थोड़ा कर लूँगा मैं GoPro अपना चार्ज। आज हम व्यू पॉइंट तक जाएंगे राइड करने। ट्रैकिंग चल रही है यहाँ पे, यहाँ पे आर्मी वालों ने रोक लिया है। शायद से आदमी वाली गाड़ी निकलेंगी अभी। जिसको नहीं पता कि ये रोड कौन सी है, मैं उसको बता दूँगा। ये रोड है हमारे जम्मू की रजौरी पुंछ वाली रोड, और यहाँ पे हाइपर लीन्स हो रहे हैं R15 पे, दोनों R15, और इसमें तो भाई अपोलो H1 का टायर भी लगा हुआ है, तो लीन्स करने का क्या मज़ा आ रहा होगा भाई। जूते टच होते हैं जब लीन करते हैं। आज हमारे शेरू की टंकी भी फुल है, जैसे कि आप देख सकते हो। भाई फेस्टिवल पे गया था तब मैंने टंकी फुल करा ली थी, तो अभी तक फुल ही है। आज भाई भी ले गया था स्कूल। वैसे मैं बाइक पीछे रखूँगा, क्योंकि फिर कैमरे वाला बंदा होता है, वो अगर आगे निकल जाए तो फिर पीछे वाला बंदा रिकॉर्ड नहीं हो पाता। ओहो, ये मेरा फेवरेट कट है। यहाँ पे आप नज़ारा देखो कितना अच्छा आ रहा है, और यहाँ पे लीन करने का बहुत मज़ा आता है। देखो कितना गोल कट है। रोड देखो कितनी खाली खाली लग रही है आज। ओ यार रोड पे बजरी पता नहीं क्यों है इतनी, लगता कोई ट्रक जा रहा था उससे बाहर आ गई हुई है बजरी। स्पोर्ट्स बाइक में जब भी कोई बंदा पीछे बैठा होता है तो उसको डर भरा लगता है, क्योंकि वो हवा में होता है उस टाइम। एंड गाइस, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट रोड है, जैसे कि आप देख सकते हो कितनी प्यारी रोड है। जैसे जम्मू में सिद्रा है, वैसे ही हमारे टाउन अखनूर में ये वाली रोड है रजौरी पुंछ वाली। बंदर देखो, ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बंदरों को रोड पे खाना मत खिलाया करो यार, फिर इनको आदत हो जाती है, फिर ये बार बार रोड पे आ जाते हैं और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो भाई लोग, आज की वीडियो में जो भी सबसे प्यारा कमेंट करेगा उसका कमेंट करूंगा मैं अपनी वीडियो के नीचे पिन। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे पिन जाइए, कमेंट करिए, तगड़े से तगड़ा कमेंट करिए, और एक बंदे को मैं दे दूंगा शॉर्ट आउट, और एक बंदे का मैं कमेंट कर दूंगा पिन। तो गाइज, देर किस बात की कर रहे हो, शॉट। ओ माई गॉड, आओ अभी मेरा ABS वो हो गया था, ब्रेक लगाई नहीं, ब्रेक ही नहीं लगी। ABS का यही चक्कर है, मतलब कि ब्रेक लगाई ना
ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक फेल हो गई, बजने वाला था पीछे से मैं। गाइस जैसे कि आपने देखा ब्रेक ही नहीं लगी यार, ABS का यही सीन होता है, BS का यही इशू होता है। ढलान में अगर ब्रेक लगानी हो भाई ब्रेक ही नहीं लगती, ऊपर से जंप, जब जंप लगता है ना बाइक को तो ABS अपने आप तब भी फेल हो जाता है, ये मैंने बहुत बार नोटिस किया हुआ है। ये आगे वाली ब्रेक का तो हुआ ही हुआ भाई, पीछे वाली ब्रेक का भी यही सीन हो गया, मतलब कि ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद फ्री हो जाती है ब्रेक, ज़्यादा ब्रेक लगाओ ब्रेक फ्री हो जाती है, फिर उसके थोड़े टाइम के बाद लगती है ब्रेक। क्योंकि जब ढलान आती है तब बाइक को धीरे कर लेना चाहिए यार, ऊपर से जब जंप आ जाते हैं फिर तो ABS एकदम से फेल हो जाता है। हमारे इधर के रोड पे ABS कामयाब नहीं है, गड्ढे इतने हैं यहाँ पे, बीच बीच में रोड बहुत प्यारी है तो बीच बीच में इतने सारे गड्ढे हैं पता ही नहीं चलता भाई। मैं अभी इस रोड की तारीफ़ कर रहा था, पहले हम यहाँ पे चाय वगैरह पी लेंगे और मैं अपना GoPro चार्ज कर लूँगा बैग में से पावर बैंक निकाल के, तो यहाँ पे रुकते हैं, तो यहाँ पे रुकते हैं, चाय और पकौड़े खाते हैं। देख लो जितने लगाने, 300 लगा ले, मिक्स लगाना ठीक है। और भैया ठीक हो? बस अंदर बैठते हैं। बस अभी हमने यहाँ पे चाय पकौड़े खा लिए हैं तो अभी चलते हैं आगे व्यू पॉइंट तक। चलिए सर, गाड़ी देखो भाई क्या हो गया। आई होप कि आवाज़ आ रही हो मेरी, क्योंकि बीच बीच में इसका माइक हक देता है यार, यहाँ तो माइक हक देता है इसका GoPro का, यहाँ तो कभी कभी रिकॉर्डिंग करप्ट हो जाती है, यहाँ तो कभी कभी ऑन ही नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं GoPro में। इतना महंगा कैमरा बनाया है फिर भी इतनी प्रॉब्लम क्यों देते हो यार, पैसा खर्च के चीज़ लेनी है फिर भी। जल्दी हम लंबी ट्रिप भी मारेंगे, इस संडे को मेरा प्लान था कि हम लंबी ट्रिप मारेंगे, लेकिन बाइक फेस्टिवल चल रहा था, पहली बार ही हुआ था फेस्टिवल, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग और ट्रिप वगैरह तो हम मारते ही रहते हैं और ये फेस्टिवल को मैं मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए संडे को राइड पे नहीं जा पाए तो मैं बाइक फेस्टिवल पे ही चला गया। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी तो ज़रूर देख लेना यार वीडियो को। मैंने अभी मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो वीडियो को, उस वीडियो को इतने व्यूज़ नहीं आए, आप लोगों ने इतना प्यार नहीं दिखाया, तो अभी दिखा दो यार, ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही है, प्लीज़ यार दिखा दो। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ चौकी चौरा और यहाँ पे पुलिस का नाका है शायद से, पुलिस वाले देख रहे थे भाई, क्योंकि मेरे कैमरे की जो वायर है वो बाहर आ रही है, तो जो भी ऐसे देखता है लोग सभी यही सोचते हैं कि एयरफोन्स लगाए हुए हैं जो भी देखता है। और यहाँ पे नज़ारे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे तकड़े वाले, और ये रोड भी बहुत डेंजर है यार, और ये चौकी चौरा का बाज़ार है आप देख सकते हैं। जिस दिन सेफ्टी गार्ड नहीं डालो उस दिन तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा लीन सोती है बाइक, वैसे सेफ्टी गार्ड डाले हूँ फिर बेशक धीरे चलाऊँ। बड़े बड़े पहाड़ और ये देखो गाइस क्या नज़ारा है यार, मज़ा आ गया, और इस मज़े को हम सारे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं। वाह यार क्या व्यू है यहाँ पे यार, देख सकते हो यार इधर से, इधर इधर से मैं भी चढ़ा था इधर से ही इधर इधर से ही तू भी लिख ले, पिछली बार बिल्कुल क्लियर था अभी मिटा दी है शायद से यार। ये कौन सा तरीका हुआ प्यार जताने का, मैंने सुना हुआ है यहाँ पे अगर आप नाम लिखते हो तो आपकी लव स्टोरी आगे बढ़ जाती है, क्या बताओ भाई सो गाइस हम ऊपर चढ़ चुके हैं जैसे कि आपने देखा यहाँ का व्यू, नीचे रोड और वहाँ पे आपको अगर रोड दिख रहा हो वो देखो गाड़ी, तो वहाँ से हम पूरा घूम के आए हैं नीचे से, आप देख सकते हो वो देख कितना घूम के आए हैं हम, पूरा रोड दिख रहा है और वो गाड़ी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से भाई यहाँ का व्यू, यहाँ का व्यू देखो और आप पीछे का व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, सोनिया नहीं इतनी ऊपर चढ़ के किसने लिखा होगा पहले कोई बताए, इधर ही बैठना है अभी, चले नीचे चलते हैं फिर लगाते हैं चार्ज, तू नीचे चल पहले, एक गलती
तेरे को नीचे खाई में फेंक सकती है। अगर आप सिटी वगैरह में रहते हो फिर आप ऐसे ऊपर ना चढ़े। रवि अंश चला रहा है बाइक को, हाइपर लीन। हो हो, रोड फुला हुआ होता है नहीं, जैसे उसके ऊपर जाएगी नहीं बाइक, वहाँ एबीएस नहीं काम करेगा, या गड्ढे में ही आएगी तब भी करना बंद हो जाएगा। अंश भी वही बता रहा है कि मैंने एक बारी बाइक चलाई थी तो बोल रहा था कि मैंने ब्रेक लगाई, ब्रेक ही नहीं लगी। कभी कभी ये सीन हो जाता है एबीएस के साथ भी, बाइक कोई सी भी हो यार, केयरफुली राइड करें, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उतनी तेज़ राइड करो, थोड़ी कम स्पीड पर चलाया करो यार आप लोग भी। एंड मेरा गोप्रो भी कभी भी डेड हो सकता है, तो आपको मैं अभी से ही बाय बाय बोल देता हूँ। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आई होगी डिसलाइक कर देना। डिसलाइक का बटन भी दिया हुआ है यूट्यूब वालों ने, बेशक नंबर काउंट नहीं हो रहे हैं।